अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुहिब अफरीदी है और मेरी एज 17 है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है और ये मेरा फर्स्ट लीग है जो मैं खेल रहा हूँ। मेरा नाम आमिर है, मैं कराची यूनाइटेड में खेल रहा हूँ। कराची यूनाइटेड पर सेंटर फॉरवर्ड हूँ। अच्छा, मेरा एज है 25। माय नेम इज़ अदील, मैं कराची यूनाइटेड में मैं खेलता हूँ। मैं जब मैं 8 साल का था, मैं जो मैंने यूनाइटेड में फिर मैंने ज्वाइन किया। अभी जो क्लब लेवल का फुटबॉल है वो तो अलग है, अभी ये जो बड़े लीग चल रहे हैं ये डिपार्ट लेवल का फुटबॉल है, इधर थोड़ा फिटनेस का फ़र्क है। लीग से जो रिलेटेड था वो मैचेस वगैरह में हमारी बहुत एक्सपीरियंस हुई, क्योंकि हमारा फर्स्ट लीग था तो ज़्यादा कुछ नहीं था, तो जब खेला तो इससे बहुत एक्सपीरियंस मिली है हमें। पहले तो मैं अंडर 10 में था, फिर 12, 14 ऐसे ऐसे, फिर मैंने 3 बार मैंने 12 लगाया कतर में। अगर फिटनेस नहीं होगा तो इस लेवल पे खेल नहीं सकोगे। 2018 में जब मैंने केयू ज्वाइन किया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जो कोचिंग स्टाफ है तो वो हमारे साथ बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम भी है ये लीग जो खेल रहे, तो हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं सर हमदान, सर सौराब और सर इस्माइल जो है। ये इतना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि मैं कोई बार का इंग्लिश मैच देखता हूँ ना, उसी के जैसा हम लोग का टीम भी खेलता है और उसी के जैसा हम लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। ये लोग मैं को बहुत गाइड करते हैं। इधर सबसे बेस्ट पासिंग है, पासिंग जब अच्छा होगा तो हम लोग खेल सकेंगे, जब पासिंग अच्छा नहीं होगा तो हम लोग खेल नहीं सकेंगे इधर, क्योंकि आगे बड़े बड़े टीमें ऊपर से खेलते हैं। हम लोग कराची यूनाइटेड फुटबॉल क्लब वो हमारा टीम है, वो हम लोग नीचे से खेलते हैं। हम लोग खेल तो मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल क्लब है जो मैंने ज्वाइन की है। सिर्फ एक चीज़ जो डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये हर वक्त थ्रू बॉल्स निकालने की कोशिश करते हैं, वो भी अनसक्सेसफुल, तो बॉल साइड मूव करना है। ट्रस्ट करो अपने टीममेट को कि वो फार पोस्ट पे या नॉन बॉल साइड पे बैलेंस प्रोवाइड करें। ये भरोसा करो अपने आप पे, ठीक है, सेटबैक्स होंगे, हम गोल खा सकते हैं, रेफरी हमारे अगेंस्ट डिसीजन दे सकता है, लेकिन उससे मैच नहीं ख़त्म हो जाएगा, राइट? उससे मैच नहीं ख़त्म होगा। एज अ टीम लेट्स फाइट टुगेदर एज अ टीम। अगर हम तकलीफ उठाएं तो एज अ टीम तकलीफ उठाते हैं, अगर हम खुशी उठाएं हम एज अ टीम उठाएंगे। दैट इज इट मेरे साइड से सुराब भाई, एनीथिंग दैट्स इट बॉयज। बाकी आप लोग को पता है Unfortunately, even in today's day and age, the pitches in Pakistan are not capable enough to hold up water so that people can play football in the rain. हाँ सर, postpone है, मैच postpone हो गया। जी जी जी, मसला जो सबसे बड़ा है ना आज के मैच बारिश पे postpone होने का, वो जो ट्रेनिंग हमने साइकिल जो प्लान किया होता ना, वो साइकिल ख़राब हो गया। रनिंग करवाएंगे क्या कर रहे फ्रेंड्स? सो यू डू अ 25 मिनट रन, मुझे ग्राउंड जो जिस पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी जाके कंडीशन देखनी होगी कि उधर पानी वगैरह कितना है, अगर उधर कीचड़ और ये सारा सिस्टम हुआ तो हम नहीं कर सकेंगे। डैम पे सारा ये देखो ना, पडल्स हैं पूरे पूरे, नहीं हो सकते। मैच का तो पता चल ही गया कैंसिल होने का, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड भी गया था, वो भी पूरा कीचड़ है, तो सारे जो हैं वो जॉगर्स पहन लें, जैकेट्स ले लें, 35 मिनट रन करना है, ठीक है। बस मैच के लिए तो हम लोग रेडी थे कल रात से ही। मेरे तो वैसे अंदाजा था कि बारिश
होने का इम्कान है, तो ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे तो फिर ट्रेनिंग के लिए भी ग्राउंड अवेलेबल नहीं था। आई थिंक आफ्टर द लास्ट लॉस वी स्टेप्ड अप द इंटेंसिटी, वर्कड ऑन फिटनेस अलॉट मोर। 35 मिनट रनिंग करनी है अब, ताकि हमारा स्टेमिना लेवल बराबर हो। इफ द मैच गेट्स पोस्टपोन्ड, दो तीन और दिन हमें मिल जाएंगे, बट वी स्टिल नीड टू कीप वर्किंग ऑन आवर स्टेमिना एंड फिटनेस, कीपिंग इट अप। The team had been in Islamabad for the past 10 days and desperately needed a rest and a night out together. And there was no better time than to support Pakistan play against New Zealand in the T20 Cricket World Cup knockout match. It turned out to be a memorable night for everyone, as Pakistan won the match and then all of us together went out to have some dinner. हमने खेला नहीं है मैच, हमें हमें इसको अपना एडवांटेज लेने, जो हमें ट्रेनिंग वीक मिला पूरा उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया है। Stay tuned for the next episode to watch Karachi United play against the mighty Pakistan Army. किस्मत ही लेके आई हमको इस जहान में, कर ले हम बेतबार, बोलो जो है जुबान पे, खुशियां भी है यहाँ, बोलो डरने की क्या बात है, टेंशन नहीं है लेनी क्योंकि हम एक सेकंड बात की है सर, आप लोग बाकी पावलों को पकड़ते नहीं है, ये एक चीज को पकड़ लेते हैं। आसान है बस, डरना नहीं है तूने, हम प्यार से बाकी छोड़ दे सब तू मेरे पे आ जा।